सुंदर मुंदिए ओ तेरा कौन बेचारा ओ दुल्ला पट्टी आला। अगर लोड़ी के स्वर ये है आपको अभी तक याद, तो चलिए कुछ पंजाब के स्वाद भी आपकी जुबान पे ताजे कर दिए जाए। आज की रेसिपी पिंडी छोले और भटूरे के साथ। और जानते हैं भटूरों को गुब्बारे की तरह से कैसे फुलाना है? इसके लिए है मेरे पास आज कुछ खास टिप्स। तो ना आज केवल आपको बताऊंगी पिंडी छोले की रेसिपी, लेकिन क्योंकि हर छोले की जान होती है उसका छोले मसाला, इसीलिए आपको एक बहुत ही स्पेशल छोले मसाला पहले बनाना सिखाऊंगी। इसी के साथ साथ तीन ऐसी खास बातें बताऊंगी जिसकी वजह से आपके ये जो पिंडी छोले है ना बिल्कुल काले काले बनेंगे, एग्जैक्टली वैसे जैसे आपको बाजार में मिलते हैं। और हाँ, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपके भटूरे कैसे फूलेंगे एकदम गुब्बारे की तरह, ये भी बताऊंगी। अब पिंडी छोले की खासियत क्या होती है? एक तो ऑफकोर्स उसका फ्लेवर जो काफी डिफरेंट होता है, और दूसरा ये कि वो काफी डार्क कलर के होते हैं, काले होते हैं। तो आज का सबसे पहला लेसन तो ये है कि पिंडी छोले में वो काला कलर कैसे लाया जाए। तो नोट कर लीजिए, एक नहीं दो नहीं पूरे तीन टिप्स हैं मेरे पास आज आपके लिए। टिप नंबर वन, हम इस्तेमाल करेंगे चाय के पानी का। तो चाय भी हमें कौन सी लेनी होगी? हमें लेनी होगी जो ब्लैक टी, जो यूजुअली हम चाय इस्तेमाल करते हैं ना वो। अब दो चम्मच चाय का मैं पहले लिकर बना लूंगी, यानी कि चाय को दो कप पानी के साथ उबाल लूंगी। नाउ आई विल ब्रिंग दिस टू अ बॉयल, और बॉयल पे आने के बाद कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे सिमर कर लूंगी ताकि मुझे एक बढ़िया सा डार्क कलर मिल जाए। काले छोले बनाने के लिए टिप नंबर टू, और वो ये कि छोले बनेंगे एक लोहे की कढ़ाई में। ऐसा करने से जानते क्या होता है, लोहे का जो थोड़ा सा फ्लेवर और साथ ही साथ में कलर भी हमारे छोले में आ जाता है। और छोलों को काला करने के लिए टिप नंबर थ्री, हमें चाहिए होंगे थोड़े टुकड़े सूखे हुए आंवला के, यानी कि ड्राइड आंवला। देखिए, अब बस केवल 4 से 5 टुकड़े आंवला के इस लोहे की कढ़ाई में मैं थोड़ा सा भून लूंगी जब तक कि वो थोड़े से और डार्क नहीं हो जाते, और आप नोटिस करेंगे कि इसमें हल्का सा धुआं नहीं उठने लगता। नाउ दिस डन, अब क्या करेंगे, छोले को उबालने के लिए चढ़ा लेंगे। इसके लिए यहाँ पर छोले मैंने ऑलरेडी भिगो करके रख दिए हैं। आपको छोटे साइज के जो छोले होते हैं ना वो चाहिए होंगे, जो बड़े साइज के छोले होते हैं वो नहीं चाहिए होंगे। और इसे कम से कम 7 से 8 घंटे के भिगो करके रखना बहुत जरूरी है। और अब एक प्रेशर कुकर में लेते हैं हम अपने छोले। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें ये भुना हुआ जो हमारा आंवला है ना, आंवला के पीसेस, और ऐड करेंगे 2 मोटी इलायची, 1 तेज पत्ता, 1/4 छोटा चम्मच खाने वाला मीठा सोडा, सॉल्ट टू टेस्ट। और अब ये जो चाय का पानी पिछले 5 मिनट से यहाँ पर बॉयल हो रहा है, इसे मैं छान करके यहाँ छोलों में ऐड कर दूंगी। देखा आपने कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब प्रेशर कुकर को करते हैं बंद, और पहले तो इसे पकाने के लिए चढ़ाएंगे, एक सीटी पे ले आएंगे, और उसके बाद आंच को धीमी करके इसे पका लेंगे कम से कम 15 से 16 मिनट के लिए, या तब तक जब तक छोले अच्छे से गल नहीं जाते। और जब तक हमारे छोले पकते हैं तब तक क्या किया जाए, अरे भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज, भटूरे का डो बना के लगा लिया जाए। किसी भी भटूरे की जान होती है उसका डो। अगर आपने डो सही लगा लिया ना, तो यकीन मानिए भटूरे बहुत बढ़िया बनेंगे। अब इसके लिए मैदे के साथ मैं मिलाऊंगी इसमें थोड़ा सा रवा। तो अगर मैंने 3 कप मैदा लिया है तो 3 टेबलस्पून इसमें मैं रवा ऐड करूंगी, और ऐड करूंगी इसमें 1/4 कप ऑफ खट्टा दही, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी ताकि ये दही के साथ अच्छे से मिल जाए, 1/2 चम्मच नमक, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी। अब एज रिक्वायर्ड इसमें पानी ऐड करेंगे, और पहले तो इसका एक स्मूथ और सॉफ्ट डो प्रिपेयर कर लेंगे। डो आपका नरम होना चाहिए। तो ये देखिए, ऐसा एक सॉफ्ट सा डो, हमें लचीला सा डो हमें तैयार कर लेना है। वंस द डो इज रेडी, हम इसमें 2 टीस्पून ऐड करेंगे तेल, और इस डो को तब तक नीट कर लेंगे जब तक हमारा डो सारा का सारा ऑयल नहीं अब्सॉर्ब कर लेता। अब इस डो को ढक करके हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, तब तक हमारे छोले भी तैयार हो जाएंगे।
तो छोले मसाला हम बनाएंगे फ्रेश, और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे सबसे पहले तो आप वो नोट कर लीजिए। हमें पहले चाहिए होगा 4 टेबलस्पून होल कोरिएंडर यानी कि धनिया, 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 4 टेबलस्पून अनारदाना, 1 तेज पत्ता, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून काली मिर्च के दाने, 2 मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 फूल जावित्री का, आधा हमको चाहिए होगा नटमेग, इसी के साथ 7 से 8 लौंग, 1 टीस्पून मोटी सौंफ और 4 से 5 खड़ी लाल मिर्च। तो सबसे पहले अपने पैन में लीजिए जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है ना वो, यानी कि धनिया, और ये धनिया पहले हम हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम जीरा और अनारदाना, इनको भी हल्का सा भून लेंगे और फ्रेग्रेंट हो जाने देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स, जिसमें काली मिर्च, मोटी इलायची, जायफल, सौंफ, लाल मिर्च, ऑल दिस विल गो इन, ऑफ कोर्स जावित्री भी, और एंड में एक चुटकी अजवाइन भी। अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। रिमूव दीज टू अ प्लेट एंड अलाउ देम टू कूल कंप्लीटली एंड देन वी विल ग्राइंड देम टू अ पाउडर। ये देखिए मसाला भी पिस गया। अब इस मसाले को हमने बहुत फाइन पाउडर नहीं करना है, देखिए इसे हल्का सा हम कोर्स रखेंगे ऐसे। अब हमारे छोले भी पक चुके हैं, पिछले 18 मिनट से तो मैं इन्हें पका रही थी, अब चेक कर लिया जाए कि ये अच्छे से गले हैं कि नहीं गले, क्योंकि छोले आपके अच्छे से गल जाने बहुत जरूरी हैं। और अब बारी आती है छोले बनाने की, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा वंस अगेन एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर मेरी काली वाली कढ़ाई यानी कि लोहे की कढ़ाई। अब सबसे पहले तो लेते हैं इस कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल, अबाउट 3 टेबलस्पून्स, और जब ये तेल गरम हो जाएगा ना, पहले तो ऐड करूंगी मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक, इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें स्लिट करी हुई ग्रीन चिलीज, और इनको तब तक सौते कर लेंगे जब तक लहसुन थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता। अब ये कटा हुआ लहसुन या कटा हुआ अदरक क्यों नहीं हमने पेस्ट ऐड कर दिया, द सिंपल रीजन, हम चाहते हैं चाहे हम इसमें प्याज ऐड करें चाहे अदरक या लहसुन, वो अच्छे से फ्राई होना चाहिए, गोल्डन होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके पेस्ट हमने ऐड किया तो जानते हैं क्या होगा, वो पेस्ट पानी भी छोड़ेंगे एंड इट विल टेक लॉन्गर टू कुक, और वो फ्राइड वाला जो टेस्ट होता है ना, ब्राउन्ड वाला टेस्ट, वो नहीं आएगा। इसलिए अब ये देखिए अनियन भी अच्छे से गोल्डन हो चुका है ना, अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने मसाले, एंड टू बिगिन विद आई एम गोइंग टू ऐड टू दिस ये छोले मसाला जो हमने प्रिपेयर करके रखा था ना, ये छोले मसाला 4 चम्मच, इसी के साथ धनिया पाउडर, इसी के साथ लाल मिर्च का पाउडर, मिक्स दीज टुगेदर, और अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं थोड़ा सा पानी। ये पानी ना केवल इन मसालों को जलने से प्रिवेंट करेगा, बल्कि इन मसालों को अच्छे से पकने में भी हमारी मदद करेगा। तो मसाले भी हम 3 से 4 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे, एंड यू विल नोटिस कि सारा का सारा तेल जो है वो ऊपर आ जाएगा, मसाले कितनी बढ़िया इसकी भुनने की खुशबू आने लग गई है। एंड वंस दिस हैपेंस हम इसमें ऐड कर देंगे अपने बॉयल किए हुए छोले, और छोलों को इन मसालों के साथ हम पका लेंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि छोले सारा का सारा जो मसाले का फ्लेवर है ना वो अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। तो जब तक मेरे छोले यहाँ पर पकते हैं, अपना डो चेक कर लेते हैं कि हमारे भटूरे का डो सॉफ्ट हो चुका है कि नहीं। तो ये देखिए डो भी हमारा यहाँ तैयार हो चुका है, और अपने भटूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई भी चढ़ा दी है, जिसमें ले लिया है ढेर सारा तेल, क्योंकि भटूरे तलने के लिए हमें चाहिए होता है काफी सारा तेल। अब लेट्स ब्रेक आउट बॉल्स, और भटूरे आप कितने बड़े बनाना चाहते हैं दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन योर चॉइस। दो बॉल को रोल करने के बाद आप पहले इसे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। भटूरे जो हैं वो कभी भी सूखे मैदे के साथ यानी कि डस्ट के साथ, फ्लावर के साथ नहीं रोल आउट किए जाते हैं, दे आर ऑलवेज रोल्ड आउट विद ऑयल। ऐसा करने से क्या होता है, वो फूलते अच्छे हैं, चिपकते नहीं हैं। तो पहले तो मैं इसे थोड़ा हाथ से फैला ले रही हूँ, इसके बाद बेलन से इसे बेल के बड़ा कर लूंगी।
अब टिप नंबर वन, आपके डो की जो कंसिस्टेंसी, जो सॉफ्टनेस जो मैंने आपको दिखाई थी वो। टिप नंबर टू क्या है, आप जब इसे बेलन से रोल आउट करेंगे ना, यू विल रोल दिस आउट इन वन डायरेक्शन आउटवर्ड लाइक दिस। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना लाइक दिस, यू विल नॉट रोल इट आउट लाइक दैट। इसे बस इस तरह से बेलन मार के आप बड़ा कर लीजिए। और अब नोट कीजिए अपने टिप नंबर थ्री, जो ये कहती है कि आपका तेल जो है इस वक्त होना चाहिए गरम, बहुत गरम, ताकि भटूरे इमीडिएटली फ्लफ अप कर जाए। तो देखा आपने कितना बढ़िया से फूल गया आपका भटूरा, एकदम बलून के तरीके से। चलिए ऐसे ही भटूरे कुछ और बना लिए जाए। मैंने यहाँ पर कुछ बॉइल्ड पोटेटोस को छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया है, और इसी तरीके से ये पनीर को भी छोटे पीसेस में कट करके रख लिया है। अब इन्हें फ्राई करके मैं निकाल लूंगी फॉर अ गार्निश ओवर बाय पिंडी छोले। ऐसे ही ये हरी मिर्च को भी मैं तल के निकाल लेती हूँ। छोले भी यहाँ उबल चुके हैं, विल गार्निश दिस विद कोरिएंडर लीव्स, फ्राइड पनीर, फ्राइड आलू एंड सम फ्राइड ग्रीन चिलीज एज वेल। चलिए अब इसे सर्व कर लिया जाए और उठाया जाए मजा पंजाब के फेमस काले वाले पिंडी छोलों का, और उसके साथ ये फूले हुए भटूरों का भी। और अब गैस को करते हैं बंद, और इसे पकाने के लिए हम चढ़ा देते हैं। तो पहले तो इसे एक विसल पे ले आएंगे। आपने बोला गैस को करते हैं बंद। अच्छा, कुकर को। में या किसी रेस्टोरेंट में बैठ के छोले भटूरे खाते, सॉरी, ओह नो, वंस अगेन,